बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। बढ़ते हैं एक और वॉइस मैसेज की जानब। ये तो कल भी इनका आया था, कल इन्होंने कहा था कि एक गाय है, जो गाय था ये क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद सरफराज़ आज़ाद मंडी मदरसा ज़िला बहावलपुर से। डॉक्टर साहब क्या हाल है, ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मसला ये है कि एक भैंस है सोने वाली, जो कि सातवें महीने में जा रही है। वो तो इसको अनलादा दिया था एक और काम का। मोहम्मद सरफराज़ कादरी मंडी मदरसा ज़िला बहावलनगर से। हाँ जी डॉक्टर साहब, क्या हाल है, ठीक ठाक है? डॉक्टर साहब, एक माशाल्लाह भैंस आज सू पड़ी है। उसने पूछना ये था कि इसको सोने के फौरन बाद जो है वो खुराक कौन सी देनी है। और वो मैंने इनको बता दिया था, जल्द फेंकने के लिए, जेर जल्द फेंकने के लिए भी मैंने इनको काढ़ा बना के बताया था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह। सरफराज़ कादरी मंडी मदरसा ज़िला बहावलनगर से अर्ज़ कर रहा हूं। जी मेरी जान। डॉक्टर साहब, वो रात को वो नुस्खा दिया है, वो जो अलसी वाला आपने बताया था, अल्लाह के फजल से उसने जेर फेंक दी है। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी डॉक्टर साहब सिर्फ ये पूछना था, जो आपने सफाई वाला नुस्खा बताया था कि दो तीन दिन के बाद शुरू करना है, वो जिसमें गुलाब के फूल की पत्तियाँ, जीरा और वो मीठा सोडा है, वो इसी तरह सूखे को मिक्स करके देना है या वो पानी में उबाल के वगैरह कोई इस तरह जो भी करना है वो जरा उसका थोड़ी डिटेल बता देंगे? नहीं, सूखे में ही देना है मेरी जान। और सिर्फ ये दो चीज़ें तो नहीं बताई थी, सफ़ेद जीरा भी 100 ग्राम था, अलसी 100 ग्राम थी, हाड़ियों 100 ग्राम थी, 250 ग्राम उसमें मैं गुलाब के फूल की पत्तियाँ और 50 ग्राम मीठा सोडा खुश्क ही आप सामने रखेंगे, इंशाल्लाह ताला वो खा जाएंगी। और इसके बाद देखते क्या और क्या कहा। और आपने कहा कि वंडा इसको खुश्क डालना है। हाँ जी, सिर्फ इसको खल बनावला डालना। हाँ ठीक है, तो क्या हम वो ही इसको खुश्क ही डालें इस बार? बिल्कुल, खल जो है वो खुश्क ही डालेंगे, बिल्कुल नहीं भिगो के डालनी, नहीं तो दूध कम कर जाएगी। और जब ये सफाई हो जाएगी इसकी, जो मैंने चीज़ें बता रखी हैं वो भी खुश्क ही दे देंगे, खाएंगी 6-5 दिन तो कम अज़ कम देंगे तो सफाई हो जाएगी। सफाई हो जाएगी तो उसके बाद आप इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे अल्लाह के फजलो करम से ये दूध भी बढ़ा देगी और खुश्क आपने खल देनी है, भिगो के नहीं देनी। और मेरे प्रोग्राम्स भी देखते रहें, काश कि अगर आपने प्रोग्राम देखे होते तो ये ना आपको एक एक चीज़ पूछनी पड़ती, आपको काढ़े भी मिलेंगे, क्या जेर के फेंकने के क्या मैंने नुस्खे दिए हुए हैं, इस तरह सफाई का और किस तरह देना है तरीका भी दिया हुआ है। काश कि आप लोग सिर्फ यही नहीं कि चूँकि मैं कुदरती आपको मिल जाता हूँ, इस वक्त मैं ऊपर वाले ही आपके जो ले रहा हूँ और नीचे जो हैं लाइनें लगी हुई हैं वो उनकी बारी नहीं आती, वो पता नहीं कब के बेचारे इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन ये है कि आपको चूँकि रोज़ मिल जाए, आपको भी लगता है मुझे 10-15 दिन जिस तरह और लोगों को बारी उनकी देर से आती है, मैं भी अब उनकी पहले बारी ख़त्म कर लूं। और क्योंकि 4,800 वॉइस मैसेजेस हैं टोटल, 4,800 ये मैं ऊपर वाले लेता हूं, वो आपको फौरन ही कर देते हैं। और सारी चीज़ें मैं बार बार बता चुका हूं कि किस तरह उसको तरीका है, किस तरह खिलाना है। और इसी तरह जेर वाला अल्हम्दुलिल्लाह उसने फेंक दिया, यही वो काढ़ा है। और ये साल हा साल से प्रोग्राम देखें, पुराने 10 साल पुराने भी मेरे देखेंगे, 15 साल पुराने भी देखेंगे, तो उनमें यही फार्मूले होंगे या कोई थोड़े बहुत चेंज होगी, लेकिन उसी से जेर भी वो फेंकती हैं, सारा कुछ करती हैं। लेकिन आप लोगों को एक चूँकि आदत पड़ चुकी है कि रोज़ाना का रोज़ाना सवाल करना है, और ये तरीका मैंने बार बार बताया है, आप प्लीज़ देखें। और जब देखेंगे कहेंगे कि यार मुझे तो ये पूछना ही नहीं चाहिए था, मैं तो ऑलरेडी डॉक्टर साहब ने बहुत दफ़ा बता चुके हैं, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, 100 दफ़ा नहीं, और कई दफ़ा बता चुका हूँ। और इसके साथ ही इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत उमर बिन शुएब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने वालिद से और वो अपने दादा से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चाहे पहनो जब तक के उसमें फजूल खर्ची
और तकब्बर शामिल ना हो। अहमद और निसाई से और इब्ने माजा से कोट कर रहा हूँ। फ़ीमा अल्लाह।